हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपर्स टॉक। हाजिर आपका दोस्त फिर एक बार लाइव इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एक बेस्ट स्टडी प्लान जो आपके टैलेंट टेस्ट 2022 की एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस प्लान का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि टैलेंट टेस्ट 2022 की प्रिपरेशन के साथ साथ आप अपने रेगुलर क्लास की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि टैलेंट टेस्ट 2022 की एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी सिलेबस रहता है और मोस्टली स्टूडेंट की स्कूल का सिलेबस भी यही है। इसी प्लानर के साथ साथ मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स भी देना चाहता हूं जो इसी बेस प्लानर के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां पर सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को जान लो कि कौन सा सिलेबस आपको फॉलो करना है और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि टैलेंट टेस्ट 2022 की एग्जाम पैटर्न में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स और आईक्यू में पूछे जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 50 क्वेश्चन आईक्यू के रहेंगे आउट ऑफ 160। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कैलकुलेशन वाला जो सब्जेक्ट है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर कुछ टेंथ क्लास के स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हमें तो टेंथ के बाद 11th में बायो लेना है, तो हम मैथ्स में ज़्यादा प्रिपरेशन क्यों करें, पास होने जितने ही प्रिपरेशन कर लेंगे ना। तो यहाँ पर आपको मैं याद दिला दूँ कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको जिस टॉपर स्टूडेंट का टैलेंट टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट बताया था, उसने 9th क्लास में मेजर सब्जेक्ट बायोलॉजी लिया हुआ है, जबकि उस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स टैलेंट टेस्ट में मैथ्स और आईक्यू में आए थे। तो फिर भाई उसने ऐसा क्यों किया, मैथ्स ही ले लेता। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है यार, उसने बस स्टार बैच को टारगेट किया था। उसने बस ये डिसाइड कर लिया था कि उसे एनी हाउ स्टार बैच में एडमिशन लेना है और उसके लिए ओवरऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करनी रहेगी। और उसके हार्ड वर्किंग के बाद फाइनली वैसे ही हुआ जैसे वो चाहता था, यानी कि वो एलन की स्टार बैच में अभी एडमिशन ले चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि चाहे आप 5th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, यहाँ पर आपको सारी सब्जेक्ट को इक्वली ही लेकर चलना रहेगा। बाद में आप चाहे तो 11th में अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रीम 11th क्लास में चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें बेस्ट स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है और एलन के स्टार बैच में एडमिशन लेना है तो उसके लिए बेस्ट स्टडी प्लान क्या रहेगा, और आज का वीडियो का टॉपिक भी यही है, हाउ टू मेक अ बेस्ट प्लान फॉर टैलेंट टेस्ट 2022। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैथ्स और आईक्यू वाले सब्जेक्ट को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, और इसमें भी सारे सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लो जो अच्छे से कवर नहीं हुए हैं या फिर अच्छे से कम्प्लीट करना बाकी है। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कवर हो चुका है, देन सैंपल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, और पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद अपने आंसर शीट को अच्छे से एनालिसिस करो कि भाई तुमने टोटल कितने आंसर किए हैं और उसमें कितने सही किए कितने गलत किए हैं, और ये भी नोट कर लेना कि कितने टाइम में आपने कंप्लीट किया है, क्योंकि ये भी आपकी सक्सेस का एक पार्ट होने वाला है। अब अगर आपको अपने एनालिसिस के बेसिस पर लगता है कि आपको डाउट पूछने की जरूरत है, तो प्लीज़ आस्क योर डाउट्स टू योर टीचर्स और मेंटर, या फिर आप चाहे जिससे भी पूछना चाहे उनसे पूछ सकते हैं, बट आस्क योर डाउट्स। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना, टैलेंट टेस्ट 2022 की एग्जामिनेशन में टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन्हें आपको 120 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको टाइम की एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से सिलेबस को कम्प्लीट किया होगा और उसके साथ साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी तब। मैथ्स और आईक्यू को डेली करना है और बाकी के सब्जेक्ट को आपको रोटेशनली डेली रिवाइज करते रहना है। तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी के साथ साथ मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चन करना है और वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी गाइड करने वाला हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है टैलेंट टेस्ट 2022 में। सो नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लेना। अब यहाँ पर मैं आपके साथ टैलेंट टेस्ट 2022 के लिए एक बेस्ट स्टडी प्लान शेयर कर रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको कहीं लगता है कि इसमें कहीं चेंजेस करने की जरूरत है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से अपने शेड्यूल के हिसाब से आप उसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको ये जानना है कि टैलेंट टेस्ट के लिए डिटेल में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए आप ये लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि टैलेंट टेस्ट 2022 के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए राइट वाला वीडियो सबसे बेस्ट रहेगा।